Good morning to one and all, my dear students. Today I am here along with the 11th part of this chapter, and in today's session, I shall explain about a post-war nation and the rapid industrialization under strong leadership. Dear students, I am going to explain about the story of Korea, and in that section, I shall explain about the po a post-war nation. In yesterday, I have explained about the division. विच बी केम परमानेंट एज ए सेपरेट गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिश इन बोथ नॉर्थ एंड इन साउथ कोरिया ओके विच विच वॉज हेल्ड इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी एट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट अ पोस्ट वार नेशन बच्चों युद्धोत्तर राष्ट्र के बारे में मैं आपको अब जानकारी दे रहा हूँ इन जून नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी द कोरियन वॉर ब्रोकआउट विद साउथ कोरिया रिसीविंग सपोर्ट फ्राम द यू एस लीड यूनाइटेड नेशन फोर्सेज एंड नॉर्थ कोरिया रिसीविंग सपोर्ट फ्राम कम्युनिस्ट चाइना एंड इट डेवलप्ड इन टू अंटेज प्रोक्सी वार ऑफ अ कोल्ड वार इरा बच्चों नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी जो जून में कोरिया में युद्ध स्टार्ट हो जाता है युद्ध शुरू हो जाता है साउथ कोरिया को दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली जो संयुक्त राष्ट्र सेना थी और उत्तरी कोरिया में जो कम्युनिस्ट चीन सेना थी उसके समर्थन से शीत युद्ध काल का एक छद्म एक प्रोक्सीवार छद्म युद्ध वो शुरू होता है मतलब कहने का यह है कि साउथ कोरिया में यूएस या अमेरिका की जो Uh, के द्वारा के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशन की जो फोर्स थी संयुक्त राष्ट्र की सेना थी वो काम कर रही थी और नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट चाइना की जो फोर्स थी वो काम कर रही थी और इन दोनों ने वहाँ पर एक विंटेज प्रॉक्सी वॉर ऑफ द कोल्ड वॉर इरा एक छद्म युद्ध एक शीत युद्ध करके शीत युद्ध जो है उस काल को शुरू कर देते हैं इन जुलाई 1953 आफ्टर थ्री इयर्स, द वॉर एंडेड बच्चों आ, 1953 जुलाई में ये जो युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है और ये युद्ध जो है एक युद्ध विराम समझौते के तहत समाप्त होता है आर आर्मेस्टाइज एग्रीमेंट के थ्रू ये युद्ध जो है वो समाप्त होता है कोरिया रिमेन डिवाइडेड और इसके बाद कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया था द कोरियन वार हैड कॉस्ट नॉट ओनली मैश्यू लॉसेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो अ डिले इन फ्री मार्केट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटाइजेशन बच्चों इस युद्ध से न केवल कोरिया में बहुत बड़े पैमाने पर जीवन की हानि हुई न केवल संपत्ति की हानि हुई बल्कि जो वहां पर मुक्त बाजार कैली आर्थिक विकास और जो लोकतंत्रीकरण थी उसकी गति भी काफ़ी धीमी हो गई क्योंकि कोरिया का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास था और जो किस पर डिपेंड कर रहा था फ्री मार्केट पर फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो काफ़ी डिले हो गया और जो डेमोक्रेटाइजेशन uh, की प्रोसेस थी वो भी काफ़ी डिले हो गई एंड द प्राइसेज सडनली रोज ड्यू टू द इन्फ्लेशन कॉज बाय इंक्रीज नेशनल एक्सपेंसेस एंड करेंसी इशू ड्यूरिंग द वॉर बच्चों युद्ध के दौरान जो करंसी इशू की गई थी जो मुद्रा जारी की गई थी और जो राष्ट्रीय खर्च थे नेशनल एक्सपेंसेस के कारण जो है इन्फ्लेशन था वो अचानक से बढ़ गया मुद्रा स्फीति के कारण जो है कीमतें जो है वो अचानक बढ़ गई थी और इसके अलावा जो ये औपनिवेशिक काल के दौरान जितनी भी औद्योगिक सुविधाएं थी उन्हें नष्ट कर दिया गया था है ना और इस वजह से जो साउथ कोरिया था साउथ कोरिया को अमेरिका से आर्थिक सहायता लेना पर उसे मजबूर होना पड़ा साउथ कोरिया अब अमेरिका से आर्थिक सहायता लेना उसकी मजबूरी बन चुकी थी एज अ रिजल्ट साउथ कोरिया वॉज फोर्स टू rely on ऑन द assistance असिस्टेंस बींग प्रोवाइडेड बाय द यू एस ए डियर स्टूडेंट्स दो साउथ कोरिया फर्स्ट प्रोसीडेंट सिंग मैन री हैड बीन इलेक्टेड इन 1948 थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस आफ्टर द कोरियन वॉर बच्चों जो नाइन यहाँ के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले शख्स थे सिंग मैन री लेकिन उन्होंने क्या किया लेकिन उन्होंने अवैध तरीके से जो संवैधानिक संशोधन किया और उसके माध्यम से दो बार अपना प्रशासन का जो काल था वो बढ़ाया ही एक्सटेंडेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन ट्वाइस थ्रू इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बट इन अप्रैल अप्रिल्सटीज सिटीजन्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिस्ड इलेक्शन इन वार इज नोन एज द अप्रैल रिवोल्यूशन एंड री वॉज फोर्स टू रिजाइन बच्चों जब देखा गया कि ये जो री हैं राष्ट्रपति वो अवैध तरीके से इलीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अपने दो बार का उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ा लिया तो अप्रैल 1960 में वहाँ के नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनाव के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया अब जब विरोध हुआ तो जो प्रेसिडेंट थे री उनको अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसको कोरिया में इस विरोध का जो दौर था उस विरोध के दौर को एप कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है अप्रैल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है ठीक है इसे आपको याद रखना है अब बच्चों जब ये विरोध हुआ और ये क्रांति हुई अप्रैल क्रा, रिवोल्यूशन हुआ तो इसके प्रोत्साहन में जो ये क्रांति शुरू हुई री प्रशासन के काल के दौरान तो लोगों के मन में जो दबी हुई भावनाएं थी प्रदर्शन थे और जो मांगें थी वो अब वो प्रदर्शन भावना ये सभी मांगों के रूप में उठने लगी थी ओके विच हैड बीन सप्रेस ड्यूरिंग द री एडमिनिस्ट्रेशन एडेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिमांड्स हाउ एवर द डेमोक्रेटिक पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन विच टुक पावर आफ्टर री रेजिग्नेशन कुड नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्ड टू सिटीजन्स डिमांड वाई ड्यू टू इंटरनल डिविज़न एंड कॉन्फ्लिक्ट बच्चों जब री प्रशासन ने अपना इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी उस सत्ता पर आरूढ़ होती है और वो लोकतांत्रिक पार्टी की जो सत्ता थी वो आंतरिक विभाजन और संघर्ष के चलते जो सिटीजन्स डिमांड थी नागरिकों की जो मांग थी उसका उचित उत्तर नहीं दे पाई ठीक है बल्कि क्या हुआ बल्कि वहाँ पर सुधारवादी जो राजनीतिक शक्तियाँ थीं वो उभर करके सामने आने लगी रेदर रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल पावर्स इमर्स्ड एंड स्टूडेंट्स मूवमेंट ग्रीव इन टू अ यूनिफिकेशन मूवमेंट वहाँ पर सुधारवादी राजनीतिक शक्तियाँ उभरी छात्रों ने आंदोलन किया और उस छात्रों के आंदोलन ने एक एकीकरण आंदोलन का रूप ले लिया इन मई 1961 द डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन इन अ मिलिट्री कॉप स्टेज बाय जनरल पार्क चू ही बच्चों ये सेना के जो अधिकारी थे उनके द्वारा उन लोगों को समर्थन नहीं मिला ठीक तो मई 1961 में जो जनरल थे पार्क चुंग ही और जो अन्य सेना के अधिकारी थे उन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया सैन्य तख्ता पलट के द्वारा जो लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार थी उस सरकार को उन्होंने उकाड़ फेंका और इस तरह से वहाँ सैन्य शासन स्थापित हो जाता है अब चो जैसे ही वहाँ की जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सरकार थी वो हटती है और पार्क चुंग ही के नेतृत्व में एक आ, उस सत्ता को काबिज कर लिया जाता है कब्जा कर लिया जाता है तो उसके बाद देखना ये है कि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से अब आगे बढ़ता है और इस सेक्शन में जो ये सब टॉपिक है हमारा द स्टोरी ऑफ कोरिया में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस स्पीड में बढ़ी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की नेतृत्व में कौन कौन से डेवलपमेंट्स वहाँ पर हुए थे बच्चों आप इस सेक्शन में आप समझेंगे कि किस तरह से वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा था वहाँ की जो जन, जनता थी वो रूरल एरियाज़ में किस तरह से एक द न्यू विलेज सैम्यूल मोमेंट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ को गेन करने में किन लोगों का सबसे ज़्यादा रोल था एजुकेशन का क्या रोल था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन कौन से वर्क किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहाँ तक कि यूसीन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम समझेंगे तो हम शुरू करते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर स्ट्रांग लीडरशिप डियर स्टूडेंट्स इन अक्टूबर 1960 एन इलेक्शन वाज हेल्ड एंड मिलिट्री कोप लीडर पार्क चुंगज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट अक्टूबर नाइनटीन सिक्सटी थ्री में चुनाव होते हैं और वहां का जो सैन्य ने नेता रहता है मिलिट्री कॉप लीडर पार्क चुंग ही वो राष्ट्रपति बनता है द पार्क एडमिनिस्ट्रेशन एडॉप्टेड अ स्टेट लीड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ पार्क प्रशासन देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य पर आधारित और निर्यात उन्मुख नीति जो है उसे अपनाता है द फाइव ईयर इकोनॉमिक प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट फेवर्ड लार्ज कॉरपोरेट फर्म्स प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन एक्सपेंडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनक्रिज कोरियास कॉम्पिटिटिवनेस बच्चों सरकार की पाँच वर्षीय जो आर्थिक योजनाओं ने वहाँ के बड़े बड़े कॉरपोरेट फर्मों का समर्थन किया और रोज़गार के विस्तार पर भारी जोर दिया क्योंकि यूथ को भी वर्क देना ज़रूरी था और इस तरह से देखा गया कि कोरिया में एक कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिला ये फाइव और इकोनॉमिक प्लान गवर्नमेंट जो है ये उन बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स को अपने फेवर में लेने के लिए करी थी जिनसे कि यह उम्मीद की जाती थी कि वो इस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे रो, बड़ा रोल प्ले करेंगे बच्चों नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीज के डिकेड में कोरिया का अभूतपूर्व आर्थिक विकास शुरू हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ जा, जो था वो बहुत ही शानदार तरीके से शुरू होता है इसमें अगर बात की जाए तो जो राज्य नीति थी राजनीति इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकी से निर्यात पर केंद्रित हो गई थी ठीक है अब वो किस पर करना शुरू कर दिया वो वो पॉलिसी शिफ्ट हो गई थी निर्यात की ओर एक्सपोर्ट की ओर अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी द गवर्नमेंट सपोर्टेड लेबर इंटेंसिव लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एस टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इन विच कोरिया हैड अ कंपेरेटिव एडवांटेज बच्चों जो निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पाद जैसे कपड़ा है ना कपड़ा यानी वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और वाकई वो कोरिया के लिए अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें तो वो लाभ की ही बात थी ड्यूरिंग द लेट नाइनटीन सिक्सटीज एंड सेवेंटीज अगेन शिफ्टेड फ्रॉम लाइट इंडस्ट्री टू वैल्यू एडेड हैवी एंड केमिकल इंडस्ट्री पहले सरकार ने देखा कि लाइट इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए लेकिन आ, 1960 और 70 के डिकेड में क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने अब जो अपना ध्यान है वो लाइट इंडस्ट्री से हटा करके हैवी इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री पे फोकस कर दिया ठीक है एंड स्टील नॉन फेरस मेटल मशीनरी शिप बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल प्रोडक्शन वर सिलेक्टेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द रेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बच्चों इन आर्थिक विकास को पाने के लिए सरकार ने अब इन सभी जो मैंने आपके अभी पढ़ा उन सभी महत्वपूर्ण उद्योगों को अपने सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में चुना ताकि आर्थिक विकास को तेजी से गेन किया जा सके इन 1970s, द न्यू विलेज मूवमेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू एनकरेज द मोबलाइज एंड मोबलाइज द रूरल पॉपुलेशन एंड मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चरल सेक्टर नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटीज़ में बच्चों अभी इसके पहले मैंने जो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को गेन करने के लिए गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको बतलाया अब गवर्नमेंट गौ, ने क्या किया कि ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन दिलाने और कृषि के लिए आधुनिकीकरण के लिए एक नया गांव आंदोलन की शुरुआत किया बच्चों ये अभियान का उद्देश्य था कि लोगों को जीवन से सक्रिय करना लोगों को आशावान बनाना और इस अभियान के द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांव के विकास करने अपने समुदाय के जीवन की शैली को सुधारने के लिए सशक्त करने के लिए इस मोमेंट को लॉन्च किया गया था रूरल एम पीपल व एम्पावर टू हेल्प दैम सेल्फ इन डेवलपिंग देयर विलेजेस एंड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज एंड डियर स्टूडेंट्स The movement was later expanded to assist the neighborhoods near industrial plants and in urban areas. अब क्या हुआ कि ये पहले तो केवल ग्रामीण जनसंख्या के लिए था ग्रामीण लोगों के लिए था फिर इस अभियान को गाँव से बाहर तक आगे ले जा करके जहां पर ये औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए थे शहरी क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में भी इसको इसका विस्तार किया गया और आज कोरिया जो अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं विकासशील देश उनके साथ जो अपने विकास प्रयासों में जो इन्होंने सैमोल मोमेंट को लॉन्च किया था उसके प्रिंसिपल्स को उसके सिद्धांतों को अपनाना जो चाहते हैं उन विकासशील देशों के साथ अपने इस ज्ञान को अपने अनुभव को आज कोरिया बांट रहा है कि भाई उन्होंने किस तरह से इसको कंडक्ट किया था किस तरह से लोगों गाँव को जो है एम्पावर विलेज़ को एम्पावर करने के लिए रूरल रूरल पीपल्स को एम्पावर करने के लिए उन्होंने काम किया था वो अपने नॉलेज को शेयर कर रहा है बच्चों जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं क्योंकि आज जो पूरे विश्व में कोरिया अपनी आर्थिक वृद्धि से लोगों को चौंका रहा है तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है वहाँ के जो मजबूत नेताओं के कारण ठीक है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वेल ट्रेन ब्यूरोक्रेट्स एग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपेबल लेबर फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस सच टाइप ऑफ ग्रुप द कोरिया इज गोइंग टू अहेड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और बच्चों इसके अलावा जो एम्बिशियस एंटरप्रेनर्स थे महत्वाकांक्षी उद्यमी और सरकारी प्रोत्साहन से निर्यात को बढ़ाने के लिए और नए उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किया और आज वो एक प्रकार से सक्षम हैं कि वो इस क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपको यही समझा रहा है कि कोरिया ने इस आर्थिक वृद्धि को कैसे पाया और पाने के लिए किन लोगों की सबसे ज़्यादा मदद ली द हाई लेवल ऑफ एजुकेशन इज आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कोरिया उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया स्वाभाविक सी बात है बच्चों अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो उसका जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है तो एजुकेशन ने कहीं ना कहीं कोरिया को आर्थिक विकास में योगदान दिया एट द डॉन ऑफ कोरियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑल कोरियन वर्कर्स वर ऑलरेडी लिटरेट एंड कुड ईजिली एक्वायर न्यू स्किल्स कोरिया के औद्योगिकरण की जो शुरुआत थी उससे शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई जो श्रमिक थे उनका जो ग्रुप था दल था पहले से ही साक्षर थे और इस ग्रोथ के लिए इस प्रोग्रेस के लिए जो न्यू स्किल्स की आवश्यकता थी वो सब पाने के लिए प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे एट द सेम टाइम द कंट्रीज ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी वर्क टू एब्जॉर्ब मोर एडवास इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अदर कंट्रीज साथ ही साथ क्या हुआ कि कोरिया ने अपनी जो खुली आर्थिक नीति के द्वारा जो अन्य देशों से अधिक उन्नत जो संस्थान थे चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिए थे या प्रोडक्शन के लिए थे और जो टेक्नोलॉजी थी उसको अपने देश में लाना शुरू कर दिया इससे फ़ायदा क्या हुआ बेटा इससे फ़ायदा ये हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी तेजी से ग्रोथ करने लगा और भी इसके क्या कारण थे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था और जो डोमेस्टिक सेविंग थी उसकी वजह से भी कोरिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने लगा वायल रेमिस्ट रेमिटेंसेस फ्रॉम साउथ कोरियन वर्कर्स ओवरसीज सी आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों ये जो रेमिटेंसेस होते हैं मतलब कि जब दक्षिण कोरियाई जो श्रमिक थे वो दूसरी जगहों पर जाकर के भी काम कर रहे थे जबकि विदेशों में दक्षिण कोरिया श्रमिकों के प्रेषण ने भी ये समग्र आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ के जो पीलर्स थे या इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए जो इम्पोर्टेंट पीलर्स थे वो बहुत सारे थे जिनकी वजह से कोरिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पा रहा था उनमें एक था एजुकेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एब्जॉर्विंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस ना रेमिटेंसेस फ्रॉम साउथ कोरियन वर्कर्स अब हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ की इकोनॉमिक ग्रोथ वाज़ द फाउंडेशन ऑफ द पार्क एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म पावर पार्क प्रशासन की दीर्घकालिक शक्ति का आधार था कोरिया का आर्थिक विकास ठीक है बेटा जो वहाँ का प्रेसिडेंट हो चुके थे उन प्रेसिडेंट पार्क चुंग ही उसकी दीर्घकालिक शक्ति का अगर किसी ने आधार समझा तो वो था केवल आर्थिक विकास पार्क के द्वारा पार्क चुन ही के द्वारा जो संविधान संशोधन किए गए थे उसकी वजह से वो तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में फिर खड़े हुए और 1971 में ही वॉज री इलेक्टेड नाइनटीन में वो पुनः चुना गया और अक्टूबर 1972 में क्या हुआ कि पार्क ने यूसिन संविधान यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया और इम्प्लीमेंट कर दिया उसे घोषित किया और उसे लागू कर दिया अब इसके तहत क्या चीज़ क्या अधिकार उसे मिल गए वो देखते हैं अंडर द यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैड कंप्लीट अथॉरिटी ओवर लेजिस्लेशन ज्यूरिसडिक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिपील एनी लॉ एज एन इमरजेंसी मेजर बच्चों इस संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया था और किसी भी कानून को आपातकालीन नियम के तहत निरस्त करने का एक संवैधानिक अधिकार भी अब राष्ट्रपति के हाथों मिल चुका था आ चुका था एज द प्रेसिडेंट वॉज इन्वेस्टेड विद एप्सोल्यूट अथॉरिटी द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी वॉज टेम्पोरली सस्पेंडेड इन दू इन परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ जब ये अधिकार मिल गए तो देश के आर्थिक विकास की बेप्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरह से अस्थायी रूप से निलंबित हो गया जब देखा जाने लगा कि राष्ट्र को आर्थिक विकास पर ले जाना है तो राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो यह देखा जाने लगा कि लोकतंत्र को अब अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है हालांकि 1979 में जब वहाँ एक सेकेंड ऑयल क्राइसिस हुआ था एक तेल संकट आया तो देश की जो आर्थिक नीतियाँ थी जो कि पूरी भारी रासायनिक उद्योग में मुख्यतः निवेश करती थी उसमें काफ़ी परेशानियां आने लगी काफ़ी बाधाएं आने लगी और इसके साथ साथ क्या हुआ कि छात्रों विद्वानों और विपक्ष ने लगातार जो यूशिन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके खिलाफ प्रदर्शन किया यूशिन कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध क्यों किया गया क्योंकि उसने प्रेसिडेंट को एनॉर्मस प्रो पावर्स प्रोवाइड कर रखे थे क्योंकि पार्क प्रशासन ने आपातकालीन जो उपाय थे उनके आह्वान और जो राजनीतिक अस्थिरता था उसका दमन कर दिया था ठीक है स्टूडेंट्स स्कॉलर्स एंड अपोजिशन कॉन्टिनली डिमॉन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द यूशियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पार्क एडमिनिस्ट्रेशन इनवोकेशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स एंड सपरेशन बॉर्ड अबाउट पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी बच्चों इस आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क प्रशासन का अक्टूबर 1979 में पार्क चुंग ही की हत्या के साथ ये प्रशासन ख़त्म हो जाता है और इस तरह से कोरिया में कोरिया में एक प्रकार से जहां लोकतंत्र को पीछे रख दिया गया था उसकी मांग फिर से शुरू होना चालू होती है फिर से शुरू होती है तो बच्चों आज के एक्सप्लेनेशन में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा थैंक यू वेरी मच